नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीट के एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, यानी आपको नीट के एग्जामिनेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो गए नीट के एग्जामिनेशन डेट पर। तो यहाँ सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही दे रहा हूं, जो है NTANEET.NIC.IN। यह नीट का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मुझे यह इन्फॉर्मेशन मिला है। एडमिट कार्ड तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो नीट 2019 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में से है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन के दिन पर। तो यहाँ पर डिटेल आपको पेज नंबर 39 पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एट द टेस्ट सेंटर। कैंडिडेट हु विल नॉट ब्रिंग दिस विल नॉट बी अलाउड टू सीट इन द एग्जामिनेशन एंड शैल लीड टू हिज और हर डिस्क्वालिफिकेशन। यानी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया गया है यह आपको कंपलसरी लाना है। अगर आप यह नहीं लाते हैं नीट के एग्जामिनेशन सेंटर पर तो आपको एंट्री नहीं करने देंगे, नीट के एग्जामिनेशन आपका मिस हो जाएगा और आपको एक साल वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड का प्रिंट कॉपी आपको लेकर आना है। सेकेंड पॉइंट है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी फोटोग्राफ को आपको लेकर आना है। फोटो पासपोर्ट होना चाहिए। फिर एनी ऑफ द ऑथराइज फोटो आईडी, यानी आपको एक फोटो आईडी का फोटोग्राफ ले जानी है। और यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और राशन कार्ड। तो इन सब में किसी एक का फोटो आईडी आपको लेकर आना है। और लास्ट में PWD सर्टिफिकेट, यानी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ताकि आपको जो रिलैक्सेशन है वो मिल सके। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी बार आइटम, यानी जो आइटम अलाउ नहीं है वह मैंने आपको पहले भी शेयर कर दिया है। यहाँ ऊपर के चार पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी ले जानी है और एक फ़ोटो आईडी ले जाना है। और यह इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपका एंट्री नहीं दी जाएगी और आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।